और आप इस सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर की नई अनाज मंडी से। और आप सभी को जानकारी दे दें कि किस तरीके से अनिश्चित धरने पर जो है राज्य स्तरीय की बात की जाए तो राज्य स्तरीय पर लिपिक के जो है कर्मचारी बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि 35,400 इनका जो हक है वो ये हक लेकर रहेंगे, वो किसी भी तरह ये हक लेकर रहेंगे। लगभग 10 दिन हो चुके हैं सारे सरकारी विभाग में क्लैरिकल पदों की बात की जाए तो क्लैरिकल पद के सारे जो है काम ठप पड़े हुए हैं क्योंकि सारे जो लिपिक के कर्मचारी हैं वो यहां पर जो है अपना धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख पा रहा है शेयर जरूर करते रहेगा। आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं B24 के माध्यम से कि यहां पर जो है यमुनानगर जिला भर के तमाम जो है लिपिक के कर्मचारी यहां पर बैठे हुए हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे तमाम लिपिक के कर्मचारियों से क्या कुछ उनका कहना है। 35,400 का जो हक है वो ये लेकर रहेंगे और लगभग 10 दिन इन्हें हो चुके हैं, 10 दिन तक अपना धरना देते नजर आ रहे हैं। इसी बीच बारी बारिश को इन्होंने झेला है, बारी तूफानों को भी झेला, लेकिन ये जो इनका धरना है वो टस से मस होता हुआ नहीं आ रहा है। मेरी सभी से अपील है जो भी स्पीकर देख पा रहे हैं शेयर जरूर करते रहेगा। तो तमाम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करें कि किस तरीके से 35,400 का जो हक है तमाम जो है हरियाणा भर के क्लर्क जो है ये ही कहते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में जो है तमाम लोग यहाँ पर मिले हुए हैं। 10 दिन हो चुका है, 10 दिन तक जो है ये अपना देते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख पा रहे हैं शेयर जरूर करते रहेगा। आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पहुंचने के साथ साथ यहाँ पर जो है धरना स्थल पर नजर आ रहे हैं। मेरी सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख पा रहे हैं शेयर जरूर करते रहिएगा। कुछ मांगे हैं, 10 दिन हो चुका है, कोई लग रहा है कि आगे आने वाले समय में कोई अनिश्चित काल निश्चित पर कुछ आ पाएगा सर? बिल्कुल आएगा जी। 10 दिन से हम अपनी हड़ताल के लिए, अपनी जायज मांग के लिए यहाँ पे बैठे हैं और सरकार से अनुरोध हमने सब तरह के कर लिए हैं कि सरकार हमारी जायज मांग को माने, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई लिखित में हमारे पास नहीं आया कि उन्होंने हमारी मांग ली है। सरकार की तरफ से कोई मुआयदा 10 दिन हो चुके हैं, कैसे काम चल रहा होगा? कल हमारे पास सरकार की तरफ से OSD भेजे गए थे, उन्होंने स्टेट की टीम से बात करी है और आश्वासन दिया है कि सरकार हमारे मुद्दे पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। आपको पहले भी मिला था, मेयर करनाल ने आप लोगों को आश्वासन दिया था जब आप मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए गए थे, उसी आश्वासन के भरोसे हमने 15 दिन काट दिए थे। नहीं तो हमारे साथियों का वहीं पे निर्णय था कि 20,000 साथी वहाँ फेसबुक पर आपकी सब वीडियो जो है लाइव हो गई है आवाज हरियाणा के न्यूज नेटवर्क पर, आप सभी इसको शेयर कर दीजिए। सरकार यदि 15 दिन का समय मांग रही है, आपका जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है उस पर हमने शेयर किया, आप सभी ग्रुप चेक कर लीजिए। आज भी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि परसों प्रशासन ने अनुरोध किया था कि हमारे राज्य में जिले में बाढ़ प्रभावित इलाका है तो इसमें हमें आपके साथियों की जरूरत है, तो देश हित में हमने उन साथियों को हड़ताल से रिलीव करते हुए उनको कहा कि आप अपने खाने में स्ट्राइक करवाएं, लेकिन देश हित में वहाँ काम भी करें। स्ट्राइक बढ़वाते हुए भी वो देश हित में वहाँ स्ट्राइक रहते हुए भी काम कर रहे हैं। विकास जी क्या कुछ लगता है 35,400 है लगभग डबल एक तरह सा मानदेय हो जाएगा? डबल आप इसको जनाब देखो आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, आप इसको डबल ना मानो, थोड़ा सा कैमरे को आप परली तरफ घुमाओ जी। देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक चार्ट आपके कैमरे के माध्यम से, आप इसको डबल 60-175 का वेतनमान है जो उस समय में किसी के पास नहीं है। अच्छा, किसी के पास भी नहीं है जी। और यही वेतनमान 1957 जब जब वेतन आयोग लगा उनके ईयर लिखे हुए हैं, 1957, 1969, 1979, 1986, 1996, 2006 और 2016, ये सभी के सभी कहाँ पहुँच गए हैं 35,400 में। एक अकेला केवल और केवल लिपिक 1900 में रह गया। ऐसा क्या भेदभाव हुआ लिपिकों के साथ कि वो 1900 हमने अपनी आवाज नहीं उठाई जी। सर 1900 में 1900 में परिवार कैसे चलता है? ये तो हम यहाँ बैठे सर, सरकारी दफ्तरों के काम हाथ हो रहे हैं, 10 दिन से सरकारी दफ्तरों में जाकर क्लर्क नहीं पहुँच रहा तो काम नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो रहे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को जल्द से जल्द इस पर जो है बैठक करनी चाहिए? इसके बारे में यही कह रहे हैं, देखो हमारी मजबूरी है, कोई शौक नहीं है, हम काम करने वाले लोग हैं, आज तक काम किया है और आगे भी करना चाहते हैं। और हमारा इतिहास उठा के देख लो, लिपिक वर्ग कभी भी सड़क पर आया ही नहीं, जब आया ही नहीं इसलिए वो पिछड़ गया। अगर हमारे लिपिक साथी पूर्व में कभी 1-2 दिन आके सरकार को बोलते कि हमारा वेतनमान का मैं सम्मानजनक वेतनमान हमें दो, तो शायद ये स्थिति नहीं आती।
देश हित में सारा दिन 9 से लेकर 5 और उसके तो बाद क्या, भी काम कब तक धरना कब तक चलेगा सर? सरकार अगर कोई आश्वासन दे के उठाना चाहे तो क्या आश्वासन? सर क्या मांग, क्या हम ये मान सकते हैं कि क्लर्क आखिर जॉब पर नहीं आ रहे तो इससे काम में कोई आहत नहीं हो रहा? बिल्कुल सारा का सारा काम प्रभावित हो रहा है और आपके अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कवरेज आ रही है कि एक एक दिन में 900 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। देखो हम नहीं चाहते कि देश हित में एक रुपए का भी नुकसान हो, क्योंकि हम राजस्व इकट्ठा करके सरकार को इस बार पूरा मन बना लिया है कि जब तक 3500 मजबूरी है जी, हमारी मजबूरी है। देखो जब खाने को रोटी ढंग से नहीं रहेगी, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे, हम अपने परिवार की व्यवस्था नहीं करेंगे। लगभग किसी भी दफ्तर का जो कार्यभार है वो जो है सर अपने कलर्क के कंधों पर होता है। हाँ बिल्कुल होता है जी, तो वो फिर अब डामाडोल हो चुका है, लोग भी परेशान है। मैं अपने निजी तौर पर ये बताना चाहता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार इस बात से थोड़ा सा हैरान है कि भाई ये काम करने वाले लोग जो जिंदगी में कभी नहीं बोले आज बोल रहे हैं। थोड़ा सा इस बात के लिए होता ही है कि देखो जिस बंदे ने कभी विरोध नहीं किया वो अचानक से विरोध पे आ गया। हमारी मजबूरी है, आप खुद देखो 1900 कोई वेतन मान नहीं होता और हम सम्मानजनक काम करने वाले व्यक्ति हैं। आरसी हम लोग बनाते हैं, लाइसेंस हम लोग बनाते हैं, प्रॉपर्टी रिन्यू हम करते हैं और पब्लिक के कोई भी पेंशन का काम है या समाज कल्याण का काम है, किसी भी तरह का काम है, वो काम करने वाले हम लोग हैं। और हमें जब सम्मानजनक वेतन ही नहीं मिलेगा, हमें घर से ये सुनने को मिलेगा आपकी तनख्वाह में तो इतना ही हो सकता है, हमारी मजबूरी रह जाती है। हम अपने बच्चे को उसके बर्थडे पे साइकिल नहीं दिला सकते, वो इस बात के लिए कहता है कि पापा उसका, उसके पापा तो ना रेडी चलाते हैं, वो साइकिल ले क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं ले आ सकता, इसका कोई जवाब नहीं होता हमें जी हाँ। तो आप सभी को लाइव तस्वीरें दिखाने का माध्यम बने हुए थे कि किस तरीके से जो है मजबूरी बनती नजर आ रही है और हरियाणा भर के तमाम जो क्लर्क है अपने अपने राज्यों में बैठे हैं और राज्य स्तरीय जो है हड़ताल या निश्चित हड़ताल जो है यमुनानगर के अनाज मंडी के और नजदीक आप लोगों को देखते नजर आ रही है। मेरी सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहे हैं शेयर जरूर करते रहेगा। तो हम को दीजिए इजाजत, ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे I24 परिवार के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।